दिस इज डॉक्टर करणजोत कौर, होम्योपैथिक फिजिशियन। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एंड इसको लेके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न एंड स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होता क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है एंड इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है, इसमें क्या क्या बॉडीली चेंजेस आते हैं। लड़कियों में जब फर्स्ट पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मींस जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, बॉडी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, फेस पे एक्ने शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। और लड़कों में जब मेल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिस का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, पेनिस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और जब साथ में प्यूबिक हेयर्स आते हैं एट द एज ऑफ 14 इन बॉयज, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है LH एंड FSH इन मेल्स एंड फीमेल्स। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स। उसके बाद ये हार्मोन्स जो है मैसेज सेंड करते हैं टू द ओवरीज एंड टू द टेस्टिस ताकि वो आगे सेक्स हार्मोन्स रिलीज करें। इन फीमेल्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और इन मेल्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे नॉर्मल प्यूबर्टी के लिए, नॉर्मल मीनार्की स्टार्ट होने के लिए और हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए। ये सारे हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है? लड़कियों में जब फर्स्ट पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाए बिफोर द एज ऑफ 8 और एट द एज ऑफ 8, 8 साल से पहले या 8 साल की उम्र में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाए और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर स्टार्ट हो जाए, और लड़कों में 9 साल से पहले या 9 साल की उम्र में मेल हार्मोन प्रोडक्शन शुरू हो जाए या सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसकी वजह से पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा टाइम से पहले बड़ा हो रहा है, कहीं उनकी बॉडी ग्रोथ वहीं पे ना रुक जाए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से, और बच्चे भी मेंटली एंड फिजिकली इस स्ट्रेस में हो जाते हैं और ये सारा बर्डन लेने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट की वजह से उनको ऐसा लगता है सोसाइटी में वो ऑब्जर्व करी जा रही हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगती है उनको, और साथ में मंथली पीरियड्स का बर्डन भी वो कैरी नहीं कर पा सकते हैं और हर चीज़ बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके रीजंस के बारे में, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के क्या कारण होते हैं। सबसे पहले है फैमिली, फैमिली हिस्ट्री में रन करती है ये चीज़। अगर बच्चे की मदर को अपने टाइम में मेंसेस पहले आए थे, अर्ली आए थे, 8 साल में 8 साल से पहले आए थे, तो 90% चांसेस होते हैं कि उनकी बेटी को भी जो मेंसेस हैं अर्ली आएंगे। एंड द सेकेंड रीजन इज ओबेसिटी एंड पुअर न्यूट्रिशन। इसकी वजह से भी हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, तो हम देखते ही नहीं है कि हम उनको क्या खाने के लिए दे रहे हैं, उनके लिए क्या हेल्दी है एंड क्या अनहेल्दी है। सो अगर आपका बच्चा ओवरवेट है, उनका वेट ज़्यादा है और पुअर न्यूट्रिशन है, तो उसकी वजह से भी बहुत चांसेस होते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के, बिकॉज ओबेसिटी की वजह से जो हमारे हार्मोन की प्रोडक्शन है, सेक्स हार्मोन्स है, उनकी प्रोडक्शन अर्ली स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उनको मेंसेस या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है। सो पुअर न्यूट्रिशन से क्या मतलब है मेरा? पुअर न्यूट्रिशन दैट इज जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड एंड पैक्ड फूड्स, आर्टिफिशियल स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को मैं पुअर न्यूट्रिशन बोलती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे लेते ही यही सब है, हेल्दी फूड तो उनके अंदर जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। एंड नेक्स्ट रीज़न इज ट्यूमर और सिस्ट। ट्यूमर कहीं पर भी, ब्रेन में भी और ओवरीज में भी या टेस्टिस में भी हो सकता है। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो या कोई सिस्ट हो हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर कोई भी ट्यूमर या सिस्ट ओवरीज में हो या टेस्टिस में हो इन मेल्स, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। लड़कियों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में कोई भी पैथोलॉजी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 10% चांसेस होते हैं लड़कियों में कि उनके अंदर कोई पैथोलॉजी है या कोई ट्यूमर की वजह से, इन हाइपोथैलेमस या इन ओवरीज की वजह से उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो रही हो। 90% चांसेस होते हैं कि उनको फैमिली की वजह से या उनके मदर की वजह से उनके मेंसेस जो है अर्ली आना शुरू हो जाते हैं। एंड इन मेंस, इन बॉयज़,
90% चांसेस होते हैं उनको कोई ना कोई पैथोलॉजी ज़रूर होती है, या तो उनके ट्यूमर होता है, या तो कोई पैथोलॉजी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, या तो कोई पैथोलॉजी टेस्टिस में होती है। और 10% चांसेस होते हैं उनको कि जो रीजंस हैं पैथोलॉजी वाले ना हो। नेक्स्ट रीज़न इज़ थायराइड। अगर बच्चों में थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो रखी है तो उसकी वजह से भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो ही जाती है। रीजंस आर एक्सोजेनस रीजंस। एक्सोजेनस मीन्स फ्रॉम द आउटसाइड। अगर इन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल आई एम गिविंग यू दैट इज़, अगर लड़कों में लड़के के फादर ने अपने टेस्टिस में, पेनिस में, या कोई क्रीम्स या कोई ऐसी लोशंस, मेडिकेटेड लोशंस वगैरह लगा रहे हैं, तो उस वजह से अगर उनका बेटा उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है तो उनको प्रिकॉशंस पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अदर रीजंस इज मेडिकेशंस, स्ट्रेस। सो नाउ विल टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रिकॉशंस पे बढ़ने की, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो जब भी कोई भी पेशेंट आता है प्रिकॉशंस पे बढ़ने का हमारे पास, तो सबसे पहले हम उनका बोन एज टेस्ट करते हैं। बोन एज मीन्स उनका एक्सरे करवाते हैं लेफ्ट रिस्ट का या लेफ्ट हैंड का। उसमें हमने क्या चेक करना होता है, हम उसमें चेक करते हैं उनकी बोन एज क्या हो रखी है। एट द एज ऑफ 8 और लेस देन 8, और एट द एज ऑफ 9 और लेस देन 9, उनकी बोन की एज अगर उनकी एज के हिसाब से नहीं है, उनकी बोन की एज अगर 13, 14 एज वाली है एंड उनकी एक्चुअल एज है 8 और 9, तो हम बोलेंगे कि प्रिकॉशंस प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट, उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं, हॉर्मोन्स टेस्ट करवाते हैं। लड़कियों में LH, FSH, ओवर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाते हैं, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। अगर LH एंड FSH का लेवल इंक्रीज हो, देन इट मीन्स कि सेंट्रल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी है, कि कोई भी रीज़न जो है ब्रेन से रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। अगर तो ओवरीज में से एस्ट्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज है, और या तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज है, फिर हम उसको बोलते हैं कि प्रिकॉशंस प्यूबर्टी है, और इसका रीज़न जो है कोई भी रीज़न हो सकता है, ओवरीज में कोई भी कारण हो सकता है, या तो टेस्टिस में कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है। सो अगर तो LH और FSH का लेवल इंक्रीज होता है, इट मीन्स कि ब्रेन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ब्रेन की MRI करवाते हैं। उसके बाद अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज आ रहा है, या टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज आ रहा है, फिर हम उस केसेस में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं चेक करने के लिए। इन पेरिफेरल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जो कि जिसकी वजह से प्रिकॉशंस प्यूबर्टी हो रही है, क्योंकि अब सेंट्रल में तो एक ही कारण होता है कि MRI करके पता लग जाता है हमें, लेकिन उसके बाद जो है अगर ओवरीज में से कोई दिक्कत आती है, तो देर आर एन नंबर ऑफ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रिकॉशंस प्यूबर्टी होती है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस जो हम करवा सकते हैं इन प्रिकॉशंस प्यूबर्टी। सो अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर प्रिकॉशंस प्यूबर्टी हो चुकी है तो हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैंने रीज़न बताया था कि फैमिली हिस्ट्री में रन करती है, सो उन केसेस में वी कांट डू एनीथिंग, बस हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो आगे जाके। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स अगर उनको प्रिकॉशंस प्यूबर्टी हो चुकी है, तो उसकी वजह से उनकी जो बॉडीली ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है वो ना रुक जाए। नेक्स्ट रीज़न इज़ ओबेसिटी। जो पोअर न्यूट्रिशन की बात करी थी हमने, आप अपने बच्चों को कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाइए, उनका वेट कम करवाइए, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना आए आगे जाके उनको, और उनकी जो प्यूबर्टी है, जो उनकी मेनार्की स्टार्ट हो चुकी है, वो ऐसे ही ईजिली स्मूथली चलती रहे। तो थर्ड रीज़न इज़ ट्यूमर ग्रोथ। और इस वजह से जो कोई पैथोलॉजी अगर बच्चों में हो चुकी है, जिस वजह से प्रिकॉशंस प्यूबर्टी हो चुकी है, तो इन सच केसेस में हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं अपने बच्चों को। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेडिसिन दैट आर होम्योपैथिक। हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं बच्चों को। सो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि आप कोई ऐसी मेडिसिन दो, कोई ऐसी मेडिसिन आती है कि जिससे हम इस चीज़ को रोक दें। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ उनको कि हमने इस चीज़ को रोकना नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हम इसको मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए, वो जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं,
वो चीज़ उनके बैलेंस आउट हो जाए और वो नॉर्मल अपनी लाइफ जो है जी सकें। हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। जो सबसे पहली मेडिसिन दी जा सकती है वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम में देखा जाता है कि पेरेंट्स में भी अर्ली मेनार्की की हिस्ट्री पाई जाती है और जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस केस में ट्यूबरकुलिनम की मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम दी जा सकती है। हम दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं वो है कैल्केरिया काप। कैल्केरिया काप उन बच्चों को देनी है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और जिनका बाहर जो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थुलथुले हैं और उनकी गालें जो हैं बाहर निकली पड़ी हैं और जिनका कम्प्लेक्शन फेयर है, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली हेयर्स में सिर उनका भरा रहता है पसीने से और उनको एग्स खाना बहुत अच्छा लगता है, सो उन बच्चों में कैल्केरिया काप दी जा सकती है। बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की, दैट इज़ कैल्केरिया फॉस। जिन बच्चों में उनकी ग्रोथ, उनकी बॉडी, उनकी हाइट बहुत छेदी से बढ़ रही होती है, बहुत लंबे हो रहे होते हैं वो, लेकिन पतले दुबले पतले होते हैं और साथ में जिनको हेडेक परसिस्ट करती है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनको हर टाइम पेट में दर्द रहता है, हेडेक रहती है, पेन हेड में पेन रहती है, उन बच्चों में भी हम उन बच्चों में कैल्केरिया फॉस जो है दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं चौथी मेडिसिन की जिसका नाम है इग्निशिया। इग्निशिया उन बच्चों को दी जा सकती है जिन बच्चों का माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और जिनका जो मूड है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, कभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कभी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, उनका मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पर उनका मूड जो है चेंज होता रहता है, अनप्रडिक्टेबल होते हैं वो हर चीज़ में, तो उन बच्चों में जो है ये इग्निशिया दी जा सकती है। सो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस जिसके साथ प्रिकॉशंस प्यूबर्टी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी मेडिसिंस हैं जो इसके साथ में इसको मैनेज किया जा सकता है। सो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो मैंने मेडिसिंस बताई हैं ओनली फॉर नॉलेज पर्पस के लिए बताई हैं, ये तो बहुत कम मेडिसिंस हैं, जो मैंने चार मेडिसिंस आपको बताई हैं, बहुत एन नंबर ऑफ मेडिसिंस हैं इन होम्योपैथी जिसकी वजह जिसके साथ साथ देने के साथ हम प्रिकॉशंस प्यूबर्टी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इन मेडिसिंस को आपने सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है प्रिकॉशंस प्यूबर्टी अगर उनको हो चुकी है तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे से कंसल्टेशन बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सो इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, सत श्री अकाल।